जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेष राशि कर्ज से मुक्ति के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट्स बॉक्स में आपको जय श्री महाकाल लिखना है, जय श्री राम लिखना है, तो आपको उससे भी फायदा होगा। सबसे पहला उपाय है कि आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत ही अद्भुत उपाय है। 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंधन महासुख होई। तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समय की कोई पाबंदी नहीं है, आपको मैं कह देना चाहता हूँ। आप महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। आसानी से करें, पूरी श्रद्धा और भावपूर्वक करें। ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते तो सुन सकते हैं 100 बार। दूसरे नंबर पर है कोयला। कोयला नमक, खड़ा नमक, कोयला खड़ा नमक दोनों बराबर ले। चाहे आप 25 ग्राम ले, 125 ग्राम ले, 1 किलो ले, आधा किलो ले, जितना भी ले, दोनों बराबर मात्रा में ले ले। अपने ऊपर से 7 बार उतारें और उसे बहती नदी में छोड़ दें, या उसे ज़मीन में गाड़ दें, या बहती नदी में छोड़ दें। यह भी एक बहुत कारगर उपाय है। पीछे मुड़ के ना देखें, जो भी गाड़ते जहाँ पर गाड़े वहाँ पर भी ना देखें, और जहाँ पर है वहाँ पर भी ना देखें। तीसरा उपाय है एक नारियल ले। नारियल के अंदर शक्कर भरे, नारियल का जो गोटा आता है भूरा, जिसे हम कह देते हैं, नारियल के अंदर निकलता है, तो नारियल के अंदर जो निकलने वाली गोटा, जिसे हम कहते हैं हम भाषा में हमारी, उस नारियल के अंदर का जो है उसे लीजिएगा, उसके अंदर शक्कर का भूरा भरिए, शक्कर भर दीजिएगा, कहीं भी किसी हरे भरे झाड़ के नीचे उसे गाड़ दीजिएगा। वो चींटियों का भोजन होता है दरअसल, तो चींटियों जितना भोजन करेंगी, जितना पाएगी, हर रविवार के दिन ये करें, 5 रविवार कंटिन्यू करें, आपके जितना भी कर्ज हो, मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा आसानी से उतरने में फ़ायदा होगा। और सकारात्मक रहें, दिमाग को शांत रखें, हमेशा ईश्वर पर यकीन रखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल कमेंट्स में लिखें। जय श्री महाकाल।